हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट होता है और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जिस तरीके से सरकार की ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट को सिक्योर करे, उसी तरीके सरकार की ये ड्यूटी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करे। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और इसको लागू करना सरकारों की ड्यूटी है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत लंबा इसके लिए डिस्कशन करने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और भारत में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अगर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सिख सबके लिए लागू है और सब लोग आराम से रह रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट नहीं बनेगा तब तक इस पर चर्चा कैसे होगी? सरकारें कहती हैं कि नहीं, इसमें कंसल्टेशन की जरूरत है, इसमें चर्चा करने की जरूरत है। अरे भाई, चर्चा तो किसी ड्राफ्ट के ऊपर होती है ना। जब कोई ड्राफ्ट नहीं है तो सब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे। किसी को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो नमाज बंद हो जाएगी, किसी को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा सात फेरे बंद हो जाएंगे, किसी को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसकी पूजा का जो पूजा पद्धति है वो रुक जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इससे कोई लेना देना नहीं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बनाना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, मजहब से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको गुजारा भत्ता एक जैसा मिले। अभी हिंदू को अलग मिलता है, मुस्लिम को मिलता ही नहीं है, पारसी को अलग मिलता है, ईसाई को अलग मिलता है। तो गुजारा भत्ता का भी धर्म मजहब रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि तलाक का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अभी किसी के लिए मौखिक चल रहा है, किसी के लिए कोड के जरिए चल रहा है। तो तलाक कैसे होगा इसका भी धर्म और रिलीजन और मजहब से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको गोद लेने का अधिकार मिले। अब गोद लेने का अधिकार, एडॉप्शन राइट, ये तो सिविल राइट है, ये तो ह्यूमन राइट है, इसका धर्म रिलीजन मजहब से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी राइट एक सिविल राइट है, ह्यूमन राइट है। लेकिन अभी हिंदुओं की बेटी को प्रॉपर्टी राइट अलग है, मुस्लिम की बेटी को प्रॉपर्टी राइट अलग है, पारसी की बेटी का प्रॉपर्टी राइट अलग है और सिख की बेटी का प्रॉपर्टी और ईसाई की बेटी का प्रॉपर्टी राइट अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मकान कैसा बनेगा पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, पहले नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे पे बैठ के चर्चा होती, फिर यह तय होता है भाई इस मकान को कैसे बनाना है, इसको कैसा कलर देना है, कितने मंजिला बनाना है। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है नक्शा बनाना। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक ड्राफ्ट बनाना। जब ड्राफ्ट ही नहीं बनेगा तो कंसल्टेशन होगा किस चीज पे? हवा में कंसल्टेशन होगा क्या? हमारे पास कोई कागज है नहीं कि भाई ये पांच चीजें होनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, या छह चीजें होनी है, आठ चीजें होनी है। क्या क्या यूनिफॉर्म होना है वो हमने अभी तय किया नहीं। जो यूनिफॉर्म होना है वो कैसे होना है वो हमने तय किया नहीं। और हम कह रहे जी कंसल्टेशन करेंगे। किस बात का कंसल्टेशन करेंगे? हवा में कंसल्टेशन करेंगे? अगर आप संविधान सभा की डिबेट देखिए तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले फंडामेंटल राइट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ही नहीं, ये आर्टिकल 35 था। आज का वर्तमान आर्टिकल 44 ओरिजिनली ये आर्टिकल 35 था और हमारे संविधान निर्माता इसको फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने इसको आगे के लिए टाल दिया कि बोलो ठीक है, जो पार्लियामेंट बनेगी, सरकार बनेगी, वो उस पर आराम से तय कर लेगी। इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 बनाया तो आर्टिकल 37 में यह भी लिख दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवर्थलेस फंडामेंटल राइट। इसका मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह किसी भी कीमत पर फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। इतना सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद भी हम कह रहे हैं जी अभी तो इसमें और कंसल्टेशन, भाई 75 साल हो गए आजादी के, कितना और कंसल्टेशन चाहिए? ये कोई हम अग्नि मिसाइल थोड़ी बना रहे, ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ी बना रहे कि इसमें कंसल्टेशन। सिंपल सा ये सिविल राइट ह्यूमन राइट का इश्यू है। करना ये है
कि जितने अलग अलग कानून चल रहे हैं उनको आपको एक कोड में बनाना है। अभी क्या हो रखा है, शादी विवाह की उम्र का अलग कानून है, गुजारा भत्ता का अलग कानून है, गोद लेने का जो नियम है उसका अलग कानून चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट का अलग कानून चल रहा है, और तलाक कैसे होगा इसका अलग कानून चल रहा है, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून चल रहा है। इसको मर्ज करके एक कानून बनाना, जिसे हमारी डायरी होती है, एनुअल डायरी। एनुअल डायरी में कैसे होती है, एक जनवरी का महीना, एक फरवरी, एक मार्च, अप्रैल, ऐसे 12 महीने होते। अगर हम उस 12 महीने को 12 डायरी बना दें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 12 महीनों को क्लब करके एक डायरी बना देते हैं। बहुत आराम से सब लोग आराम से कैरी कर सकते हैं, आराम से अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, आराम से उसको मेंटेन भी कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, जो सिविल राइट ह्यूमन राइट का जो कानूनों का मकड़ जाल है, धर्म के आधार पर अलग, जेंडर के आधार पर अलग, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग, इसको मर्ज करके एक आपको एक कोड बनाना। जैसे 12 महीने को हम 12 डायरी नहीं बनाते बल्कि एक डायरी बनाते हैं, वैसे सिविल राइट ह्यूमन राइट के जितने भी कानून है उसको मर्ज करके एक इंडियन पिनल कोड बनाना है। इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड बनाना है। इंडियन पिनल कोड है ना आज की डेट में, भारतीय दंड संहिता सब पे लागू होती है। तो जैसे हमने अपराध के लिए एक कानून बना दिया, इंडियन पिनल कोड, वो सब पे लागू हो रहा है, वैसे सिविल राइट के लिए एक कानून बना दें, इंडियन सिविल कोड, वो सब पे लागू होगा। इसमें कोई इट्स बट्स की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत हो गया कि भाई कंसल्टेशन, बिना ड्राफ्ट के कंसल्टेशन, बिना इसका कोई खाका बनाए कंसल्टेशन, इसका मतलब यह है कि ये तो बस टालने वाली बात है। एक्चुअल में अगर इसको लागू करना है, इस पे एक्चुअल में कंसल्टेशन करना है, तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट हमें पब्लिश करना चाहिए, ड्राफ्ट हमें पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए, फिर उस पर आराम से चर्चा होती रहेगी। जब तक ड्राफ्ट ही नहीं आएगा तब तक हवा में चर्चा होगी, और हवा में चर्चा होगी तो मौलाना इसका अलग अर्थ निकालेंगे, हिंदू इसका अलग अर्थ निकालेंगे, पारसी इसका इसके बारे में अलग इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्रिश्चियन इसकी अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द सरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाएगी, इंडियन सिविल कोड का एक ड्राफ्ट बनाएगी, उसको पब्लिक डोमेन में डालेगी, तभी इस पर एक्चुअल में चर्चा होगी। और मैं पूरा भरोसा है कि जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ इस साल मनाने जा रहे हैं, हम नई संसद बना रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, और आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम जो संविधान की आत्मा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड, इसका एक ड्राफ्ट बना के, इस पर कंसल्टेशन करके, इसको तो लागू कर देना चाहिए।